क्या नाम आपका? फिरोजाबाद में आज मासूम जिंदगियां सुरक्षित नहीं है। जिस तरह से अलीगढ़ के टिप्पल में मासूम बच्ची की दरिंदगी की हद पार करते हुए हत्या का मामला प्रकाश में आया, इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ऐसे कैसे हमारी आने वाली पीढ़ी, देश का भविष्य, छोटे छोटे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। इनकी सुरक्षा को कोई तो कानून ऐसा बने ताकि अभिभावक अस्वस्थ रहे कि अब उनके लाडले लाडलियां सुरक्षित हैं। अलीगढ़ में हुई घटना के बाद फिरोजाबाद में एक बालिका संग दुष्कर्म का प्रयास तो, जसराना में एक 4 वर्षीय बच्ची संग दुष्कर्म की घटना तो, वहीं जसराना में 2 बालकों संग शोषण का मामला, इसके अलावा सिसागंज में भी एक मामला चर्चा में बीते दिनों रहा। इसको लेकर हमारी मीडिया टीम ने शहर के लोगों से बात की तो युवा इंजीनियर राजकुमार यादव, सौम्या दिवाकर, धर्मेंद्र यादव, सुविधा गुप्ता, रामा देवी शर्मा ने अपने अपने विचारों में अपनी बात कही। किसी ने फांसी तो किसी ने फांसी बहुत कम, तो किसी ने ऐसी सजा खौफ पैदा तो उसके ऐसे अंग काट दिए जाएं तो आगे के लिए सचेत रहे, अन्य भी सबक लें। कहीं ये भी बताया कि ऐसी मौत दी जाए कि तड़प तड़प कर पल पल जिंदगी कम होती जाए। फिरोजाबाद से गौरव राठौर की रिपोर्ट है स्केच न्यूज। बहुत ही कम है फांसी तो, बहुत ही कम है, तो मर जाएगा वो, तो मर जाएगा। ऐसे अंगों को, मतलब घृणित अंगों को उनके हटा दिया जाए जिससे वो हमेशा सचेत रहे, तो ऐसे करने वाले को ऐसा किया जाएगा तो वो आधे दूसरा आदमी शायद नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जिंदगी में तड़पेगा, जिंदगी में तड़पेगा वो अपने अंग के लिए। काश में ऐसा घटना नहीं कर रहा, एहसास करेगा वो कि मैं ऐसा नहीं करता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। तो यही कहूँगी कि सन्या जी, जिस तरह से रेप के मामले संज्ञान में आ रहे हैं, तो आपके हिसाब से किस तरह की सजा होनी चाहिए अपराधी के लिए जिससे कि इस पर अंकुश लगाया जा सके? कुछ तो लोगों की जैसे फ्री जो लोग होते हैं उस तरह का उनका शैतानी दिमाग घूमता रहता है, तो उनके लिए ये रहे कुछ ऐसा बंदोबस्त किया जाए जो कि मतलब लगे उनको कि कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जबकि अपने यहाँ सजाए मौत तो है नहीं, लेकिन उन्हें ऐसी मौत दी जाए जो कि तड़पा तड़पा करके जिन्होंने उन्हें लगे कि हम गलत हैं अपने आप में, तो आगे से इस तरह का 2-4 बंदों के साथ ऐसा हो तो आगे से ये ना करने की हिम्मत हो उनकी। सुधीर गुप्ता जी, जिस तरीके से नाबालिग बच्चों के साथ रेप के मामले संज्ञान में आ रहे हैं, इनको रोकने के लिए किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? सज़ा तो सरकार को काफ़ी सोचना चाहिए इस बारे में, सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही है। सरकार को प्रॉब्लम तो जान ही नहीं आ रहा इस चीज़ का, कोई सरकार कुछ कर पा रही है इस चीज़ में। मैं तो चाहता हूँ कम से कम ऐसी सजा तो मिले जिससे आने वाली पीढ़ी में कोई भी बच्चा ऐसा काम करने सोचे, 10 बार सोचे, 1000 बार सोचे, एक ही बार करने की इच्छा भी ना जागे उसके अंदर। किस तरह की सज़ा होनी चाहिए जिससे ये अपराध रुक सके? देखो, सजा मौत हो उससे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि सजा मौत हो तो सकती है, सरकार ऐसा अभी तो इंडिया लॉ में लागू नहीं हुआ है। लेकिन होने से अगर सजा मौत भी होगी तो भी आदमी एक बार सोचेगा, घबराया करने में। लेकिन मैंने अक्सर इतना देखा जाए जाए 2-4-5 साल सजा होती है उसको छूट जाता है, कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। अरे अगर प्रावधान ऐसा कुछ लाया, कड़ी से कड़ा सजा लाई जाए जो आदमी खौफ पैदा हो, डर पैदा हो, जो आदमी भविष्य करने में 2 बार नहीं 10 बार सोचे,